Hi, I'm Lara Betha, Miss Universe 2000, and you're watching Pennock Television. किसी और बाप ने अपनी औलाद पर रिस्क किया हो। मेरे वाले साहब मुझे याद है बचपन में जब छोटे थे बहुत साथ थे। He was a very very strict man। बचपन में बहुत मारे खाई और बहुत मारे खाई मैंने क्योंकि हम शरारती थे। मैं और हमारी घर में तीनों बहुत शरारती थे तो हम ने बहुत मार खाई। मुझे अभी तक याद है जब हम लोगों को मार पड़ती थी तो हमारी माँ हमें बचाने आती थी, लेकिन हमें मार पड़ाने के अंदर हमारी माँ का ही हाथ होता था। वही सारी डिटेल्स देखेंगे हमारे बाप पर भी लिखते हैं। मेरे बाप ने मुझे एक बात बोली थी बचपन में, बेटा जिंदगी में तीन चीजें हैं, उनमें से तुम कोई दो कर सकते हो, तीनों एक साथ नहीं कर सकते। तो तीन चीजें क्या है? एक है पढ़ाई, दूसरा है गेम्स, तीसरा है पियानोग्राफी। तो मैंने अपने बचपन के अंदर क्या दो चीजें की? एक पढ़ाई और एक स्पोर्ट्स। आई वॉज अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन इन स्कूल, अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन। एक बड़ी यूनिक एंटिटी थी वाइटल साइंस, वाज अ वेरी यूनिक एंटिटी। क्यों? क्योंकि वाइटल साइंस का हर मेंबर जो था वो इन इटसेल्फ एक बड़ा ही टैलेंटेड ह्यूमन बीइंग था। और फिर ये कि वाइटल साइंस के हर लड़के का एक डिफरेंट इन्फ्लुएंस था। मैं किसी को सुनता था, रोहित कुछ सुनता था, शाही कुछ सुनता था, मसूद कुछ सुनता था, और वो जब एक जगह पर जमा होता था तो वो अमाइगमेशन जो थी ना वो बड़ी यूनिक अमाइगमेशन थी। वो एक साउंड, बड़ी यूनिक साउंड थी जो कि वाइटल साइंस की अपनी साउंड कहलाने लगी कुछ अर्से के बाद। और फिर सबसे भर के जो वाइटल साइंस का जो था वो ये था कि श्वेत मंसूर का बड़ा हैवी इन्फ्लुएंस था, लाइक ए गॉड फादर इन्फ्लुएंस था। उन्होंने जैसे कि किसी घोड़े की बाग डोर पकड़ के तो कोई जो है कि जैसे मुंह जोर घोड़ों को, चार मुंह जोर घोड़ों को किस तरह चलाना है वो बागिंग शोर मंसूर के हाथ में थी। मेरा ख्याल है वो एक बहुत बड़ा रीजन था वाइटल साइंस की सक्सेस का। वो सक्सेस फॉर्मूला जो था वो हमें वो उन सालों के अंदर मुझे कम अज कम मिल गया। सोलो करियर कहां से शुरू हो गया? इसकी वजह यह थी कि मैं रोहिल शहजाद के साथ तो काम कर ही रहा था। मैं ये चाहता था कि जरा देखूं कि मेरे में अपने अंदर कितने कसबल हैं, मैं जरा बाहर के जितने प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ भी काम करके देखूं। ये सारी चीजें सोच के पहली बार मैंने बुद्धू के साथ काम किया। That was a good experience, it was a learning experience। लेकिन बुद्धू के साथ काम करने के बाद मैंने रियलाइज किया कि वो जो मेरी एल्बम की जो साउंड बनी है वो साउंड की जो मुझे चाहिए थी। और then I realized कि जो साउंड मुझको अपनी एल्बम के लिए चाहिए वो मैं ही बना सकता हूँ, उसके लिए मुझको भी मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर उसके लिए मैंने मेहनत उसमें 3-4 साल लग गए और फिर निकली उस राह पर जिसमें के जो कि असल खास मेरी अपनी मर्जी की एल्बम थी। इट वॉज द काइंड ऑफ एल्बम दैट आई वॉन्टेड टू चैन। लेकिन अब मैं सोचता हूँ 11 साल के बाद, 6 एल्बम्स के बाद मैं अब वो कुछ करना चाहूंगा जो मेरे अपने दिल के अंदर है। मैं अब वो सब कुछ आप लोगों को सुनाना चाहूंगा क्योंकि मैंने ये देखा है कि उन्हीं चीजों को आप लोगों ने पसंद भी किया है।